सैमसंग गैलेक्सी M54 5G, तो बेसिकली जो स्मार्टफोन है वो एक M सीरीज का एक मोस्ट प्रीमियम स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है और M53 का एक सक्सेसर मॉडल देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एक प्लान करें मिड रेंज कैटेगरी का स्मार्टफोन लेने का तो डेफिनेटली वीडियो कंफर्टेबल हो सकती है। तो अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले अगर बात करें डिस्प्ले क्वालिटी वाइज और बिल्ड क्वालिटी वाइज हमें क्या डिफरेंस देखने को मिल सकता है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है 6.7 इंच की डिस्प्ले जिसमें 120Hz का पैनल और फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। बात करें बिल्ड क्वालिटी वाइज तो यहां पर आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप, फ्रंट साइड में पंचोल कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले वाइज अगर हम कंपेयर करें तो डिस्प्ले तो आपको बिल्कुल सेम सिमिलर प्रीवियस मॉडल जैसे ही हमें देखने को मिल जाएगी, बट बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें इसका जो डिजाइन है वो बिल्कुल चेंज देखने को मिल जाएगा। आपको प्रीवियस मॉडल जैसा बिल्कुल भी डिजाइन नहीं देखने को मिलेगा, बिल्कुल आपको जो कैमरा सेटअप्स है वो आपको यूनिकनेस के साथ हमें देखने को मिल जाएगा और जिसका पार्ट होंगे डिजाइन है वो आपको बिल्कुल ही डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें वो है प्रोसेसर। यहाँ पर कंफर्म है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक्सिनोस की तरफ से आने वाला एक्सिनोस 1380 जो कि एक सैमसंग का ही प्रोसेसर देखने को मिलता है। बात करें रैम वेट्स की तो यहाँ पर आपको 8GB रैम तक का वेट हमें देखने को मिल सकता है। सो गेमिंग वाइज अगर हम कंपेयर करें तो ये स्मार्टफोन का प्रोसेसर एक डिसेंट कैटेगरी का प्रोसेसर देखने को मिलता है, पर इस स्मार्टफोन में आप गेमिंग अगर आप करना चाहते हो तो मिड रेंज कैटेगरी जैसी आपको गेमिंग इस स्मार्टफोन में आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। मल्टीटास्किंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो 8GB रैम से आप काफी अच्छी मल्टीटास्किंग भी स्मार्टफोन में कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें वो है कैमरा क्वालिटी वाइज। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कन्फर्म 50MP का मेन कैमरा जिसमें 4K at 30fps की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी। सेल्फी कैमरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 32MP का देखने को मिल जाएगा जिसमें हमें फुल HD या 30fps की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पर आपको 4K 30fps की वीडियो रिकॉर्डिंग डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी, बट यहाँ पर आपको कोई भी OIS का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन एक M सीरीज का स्मार्टफोन देखने को मिलता है, ये जो फीचर्स है OIS जैसे हमें जो सिर्फ A सीरीज के ही प्रीमियम स्मार्टफोन्स में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको A53 या फिर A73 देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको M54 में OIS का सपोर्ट डेफिनेटली नहीं देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें वो है बैटरी क्वालिटी वाइज। यहाँ पर कंफर्म है कि इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाएगी 6000mAh की डार्क बैटरी लाइफ जिसको चार्ज करने के लिए आपको 25W चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। सो बैटरी क्वालिटी वाइज डेफिनेटली स्मार्टफोन की M सीरीज की बैटरी लाइफ हमें काफी अच्छी देखने को मिलती है और बहुत ही बिगर बैटरी लाइफ के साथ हमें जो M सीरीज के स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। सो इसकी अब तक की लीक्स जो कि सैमसंग गैलेक्सी M54 की देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर हम बात करें स्मार्टफोन की लॉन्च या फिर प्राइस की, तो लॉन्च डेट की अगर हम बात करें तो ये स्मार्टफोन ऑफिशियली गीकबेंच पर सपोर्ट हो चुका है, यानी कि अगर इसको स्मार्टफोन की लॉन्च डेट अगर हम देखें तो वो है कि आपको जनवरी या फिर फरवरी के मध्य फर्स्ट वीक तक ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिल सकता है। प्राइस की अगर हम बात करें तो ये जो स्मार्टफोन जो प्राइस है आपको 25,000 तक देखने को मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस मॉडल की भी प्राइस बिल्कुल सेम ही देखने को मिलती है और यहाँ पर जो M सीरीज के स्मार्टफोन की प्राइसेस है वो आपको इतनी ही देखने को मिलती है। तो क्या ये स्मार्टफोन 25,000 में एक वैल्यू फॉर मनी है? तो डेफिनेटली अगर आप एक M सीरीज का स्मार्टफोन लेने का प्लान कर रहे हो या फिर 25,000 में एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन लेने का प्लान कर रहे हो सैमसंग की तरफ से, तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन काफी अच्छा साबित हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, साथ वाला बेल आइकन दबाकर ऑल पर चैट जरूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना कर सकते। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तो के लिए गुड।